नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने टॉप 5 बेस फीचर्स देखे थे ऑफ विंडोज 10 के, ठीक है। तो उसी तरह आज के वीडियो में मैं आपको विंडोज 10 के कुछ टिप्स देने वाला हूँ दोस्तों, टॉप 5 टिप्स जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे विंडोज 10 यूजर्स के लिए, ठीक है, जो कि उनके डेली यूज में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी टिप्स है दोस्तों, लेकिन टॉप 5 टिप्स जो है हमने निकाली है जो कि डेली यूजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी डेली यूज के लिए, ठीक है। तो आज में हम विंडोज 10 की टिप्स देखने वाले हैं दोस्तों, टॉप 5 टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आती है मिनिमाइज मल्टीपल विंडोज, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आती है मिनिमाइज मल्टीपल विंडोज। इसका यूज क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने मल्टीपल विंडोज यहाँ पर ओपन करके रखे है, फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे ये एक विंडो है, ठीक है, ये एक विंडो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ये एक विंडो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हम, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, इसे हम छोटा कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने मल्टीपल विंडोज यहाँ पर ओपन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और आप चाहते हो ये सारी विंडोज को मिनिमाइज करना जबकि आपकी जो मेन विंडो है वो ओपन रहनी चाहिए। तो जो आपकी मेन विंडो है वो आप उसके आप टाइटल बार पर जाकर अगर कुछ शेक करोगे उस विंडो को, तो आपकी बैकग्राउंड में जो विंडोज और जो प्रोग्राम्स चालू होंगे दोस्तों वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इस विंडो को ओपन रखना चाहता हूँ और बैकग्राउंड की विंडोज जो है हम उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे इसके टाइटल बार पर और यहाँ पर क्लिक करके इस विंडो को हम शेकिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख पाओगे हमारी बैकग्राउंड की विंडोज यहाँ पर मिनिमाइज हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप फिर से शेकिंग करोगे तो आपकी वो विंडोज फिर से मैक्सिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मल्टीपल विंडोज का, ठीक है, तो डेली यूज के लिए विंडोज 10 यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे हम देखने वाले हैं दोस्तों एनी सॉफ्टवेयर वाय अल्फाबेट्स, मतलब ओपन के लिए, ये मैं क्लोज कर देता हूं यहां पर। सेकंड नंबर पे जो मैंने बताया आपको ओपन एनी सॉफ्टवेयर वाय अल्फाबेट्स, मतलब कि आप स्टार्ट मेनू में आ जाइए, यहाँ पर आप देख पाओगे हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन करना हो, फॉर एग्जांपल एम सीरीज पे है हमारा सॉफ्टवेयर, तो हमें ड्रैग करते हुए आना पड़ता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे एम सीरीज के यहाँ पर प्रोग्राम्स आ जाएंगे, यहाँ पर हम नीचे आते थे हमारे एस सीरीज के आ जाएंगे, यहाँ पर टी सीरीज के भी, तो सारी इस तरीके से हमें ये ड्रैग करते हुए लेना पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर देख पाओगे अल्फाबेट से हम कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, हम जैसे कि ये अल्फाबेट यहाँ पर ई एफ जी, तो हम किसी भी अल्फाबेट पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके के अल्फाबेट आ जाएंगे ए टू जेड, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एम सीरीज में कोई प्रोग्राम है तो आप एम सीरीज एम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एम सीरीज के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, आप देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ए सीरीज का ओपन करते हो तो ए सीरीज के यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है दोस्तों डेली यूजर्स के लिए विंडोज 10 के में, ठीक है। तो इसके बाद में और एक फीचर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे हम देखने वाले हैं कैलकुलेट एंड कन्वर्ट का। फॉर तो ये कैलकुलेट एंड कन्वर्ट किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो आप देख पाओगे हम कोई कैलकुलेट का वर्क कर रहे हो तो हमें कैलकुलेटर ओपन करके हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, या फिर करेंसी कन्वर्शन का हम कोई वर्क कर रहे हो तो हमें विंडोज का कोई सॉफ्टवेयर लेकर वो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख पाओगे टाइप हियर टू सर्च का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता है, तो आप इसमें सिंपल क्लिक करोगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे 2+2 हम करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लस टू आप करने के बाद में यहाँ पर आप ये एरो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। प्लस टू करने के बाद में उसके सामने आपको यहाँ पर हम 2+2 करते हैं और उसके सामने आप एक एरो दिखाई देगा, तो आप इस पर करोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको वो यहाँ पर कैलकुलेट करके देगा, जैसे कि 2+2 4 होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से भी काम करता है। हम यहाँ पर करते हैं 5+5, उसके सामने जो एक एरो आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर वो कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं है दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर की, मतलब कैलकुलेटर ओपन करने की, या फिर यहाँ पर और एक तरीके से इसका यूज होता है जैसे कि मैंने आपको बताया करेंसी कन्वर्शन का। तो यहाँ पर अगर आप करोगे $1 to INR, ठीक है, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे 64 रुपीस का हमारा $1 होता है, $1 हमारा 64 रुपीस होते हैं INR में। तो ये कुछ इस तरीके से भी काम करता है। तो यहाँ पर आप कोई भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-1
पर हम करते हैं, इस एरो पर करेंगे तो आप देख पाओगे रिजल्ट में वन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों इंटरनेट ऑन रखने की आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों डेली यूजर्स के लिए विंडोज 10 के, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों, फोर्थ नंबर पे स्लाइड टू शट डाउन। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, जैसे कि हमें अगर हमारा वर्क हो चुका होगा काम करने का, तो हम अगर शट डाउन करना चाहते हैं हमारा पीसी, तो हम यहाँ पर जाते हैं, इस बटन पे जाते हैं और यहाँ पर हम शट डाउन पर जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है दोस्तों, इसलिए हम क्या करते हैं, स्लाइड टू शट डाउन का ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टिप्स है दोस्तों स्लाइड टू शटडाउन की। तो हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम न्यू में आ जाते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टकट में आ जाते हैं। शॉर्टकट में आने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है स्लाइड टू शट डाउन। ओके, स्लाइड टू शट डाउन आपको याद रखना है, पूरा आपको इस तरीके से ही टाइप करना है, आपको कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको सिंपल नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आके आपको नाम दे सकते हो कोई भी, मैं स्लाइड टू शट डाउन भी रख सकता हूँ, या फिर आप शट डाउन पीसी या फिर कुछ भी आपके हिसाब से आप रख सकते हो। तो हम यहाँ पर शट डाउन, स्लाइड टू शट डाउन ही रखते हैं और फिनिश करते हैं। तो आप देख पाओगे एक एप्लीकेशन हमारे सामने बन जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये। तो आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर से एक विंडो आ जाएगी, जैसे कि स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी। तो आप इसे अगर इस तरीके से शट डाउन कर देते हो और क्लिक अगर छोड़ देते हो स्लाइड करके, तो आपका पीसी जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर जाके इस तरीके से शट डाउन करने की। अगर मैं चाहता हूँ मेरा वर्क हो चुका है दोस्तों, तो मैं सिंपल इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसे नीचे खींच दूंगा इस तरीके से, तो हमारा मेरा जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया टिप्स थी दोस्तों डेली यूजर्स के लिए विंडोज 10 के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में आता है दोस्तों फास्ट स्टार्टअप, फिफ्थ नंबर पर, ठीक है। फास्ट स्टार्टअप क्या है दोस्तों, आपका जो बूट टाइम होता है स्टार्टअप का, स्टार्टिंग टाइम में जब आप लैपटॉप या फिर पीसी स्टार्ट करते हो, तो वो कुछ सेकंड में ही आपका पीसी और लैपटॉप जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टिप्स किस तरह ऑन करते हैं अपने पीसी में, मैं आपको बता देना चाहूंगा। आपको कंट्रोल पैनल में आ जाना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा होगा, या फिर यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल आप जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, कंट्रोल पैनल यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों पावर का, ठीक है, पावर ऑप्शन। यहाँ पर आपको पावर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पावर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, चूज व्हाट द पावर बटन्स डू, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रिकमांडेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी ब्लॉक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी ऑन करके रखा है, आपको इसे ऑन कर लेना है। यहाँ पर जो चेक मार्क दिखाई दे रहा होगा आपको इसे ऑन कर लेना है। यहाँ पर अगर ये ब्लॉक होगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, चेंज सेटिंग दैट आर करंटली ऑन अवेलेबल, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चेक मार्क कर सकते हो, अनमार्क या फिर मार्क, ठीक है। तो आपको इसे मार्क करना है और आपको सिंपल बैक आ जाना है, या फिर ये विंडो क्लोज कर देनी है। तो आपका वो फास्ट स्टार्टअप का जो टिप्स जो मैंने आपको बताई है, वो आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में ऑन हो जाएगी। तो आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा जब आप पीसी स्टार्ट करोगे या फिर लैपटॉप आपका स्टार्ट करोगे बूट होते वक्त, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी दोस्तों, टॉप 5 टिप्स जो हमने निकाली है डेली यूजर्स के लिए विंडोज 10 के, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी टिप्स थी दोस्तों, लेकिन वो ज्यादा यूजफुल नहीं थी, ये डेली यूजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसलिए हमने टॉप 5 टिप्स यहाँ पर निकाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों, तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।